सावन का ये पावन महीना महादेव को समर्पित है। इस महीने महादेव के भक्त उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार महादेव की पूजा अर्चना करता है तो महादेव उसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर देते हैं। इतना ही नहीं, महादेव उसे मनोवांछित वरदान भी देते हैं और उसके जीवन में आ रहे सभी दुखों व कष्टों का नाश कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में किस राशि के व्यक्ति को कौन सी विधि से महादेव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे महादेव आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर दें। मेष राशि। जिन लोगों की राशि मेष होती है, उन्हें सावन में महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए महादेव की मूर्ति या शिवलिंग का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे, इस दूध में शहद अवश्य मिलाएं। इसके साथ ही आपको चंदन और सफेद पुष्प महादेव को अर्पित करने चाहिए और फिर 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा कर देंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का दही से अभिषेक करना चाहिए, फिर महादेव को सफेद फूल व बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को धन, भवन और वाहन की प्राप्ति का विशेष योग बनता है और व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। मिथुन राशि। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगर संभव हो तो ऐसा आप रोजाना करें, नहीं तो कम से कम सावन के हर सोमवार शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से महादेव आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित वरदान देंगे। कर्क राशि। जिस व्यक्ति की राशि कर्क है और वह महादेव को जल्दी प्रसन्न करना चाहता है तो उसे सावन में भोलेनाथ की मूर्ति या शिवलिंग का दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसके सभी बिगड़ते काम बनते चले जाते हैं। इसके साथ ही आपको सावन के प्रत्येक सोमवार रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए शुभ होगा और जल्द ही महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को महादेव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए जल में शहद और गुड़ डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही आपको उन्हें बेलपत्र, चंदन और लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग भी महादेव को लगाएं। अगर आपको सेहत संबंधी समस्याएं हो रही हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि महादेव आपसे जल्दी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें, तो सावन के महीने में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही महादेव को आप धतूरा, पान, दूर्वा, भांग और बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे, शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से जल्द ही महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से आपको तुरंत छुटकारा दिलाएंगे। तुला राशि। जिन लोगों की राशि तुला होती है, उन्हें सावन में महादेव की प्रतिमा या शिवलिंग का अभिषेक गाय के घी में इत्र या कोई भी खुशबूदार तेल के साथ ही कच्चा दूध मिलाकर करना चाहिए और उसके बाद महादेव को सफेद रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप महादेव को शहद, दही और श्रीखंड का भी भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही आप शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने पर महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। धनुराशि। धनुराशि के लोगों को महादेव की अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए दूध में पीला चंदन व हल्दी मिलाकर किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए।
इसके साथ ही आपको महादेव के सम्मुख शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ खत्म होने के बाद में खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से महादेव जल्द ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को शिवलिंग का नारियल के पानी या फिर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही आप एक शमी का फूल, भांग, धतूरा और बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। अगर आपके ऊपर शनि की दशा है तो आपको महादेव को नीले रंग का कमल अर्पित करना चाहिए और उड़द से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा या प्रकोप से महादेव आपको सदैव सुरक्षित रखेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शिवलिंग का नारियल के पानी, सरसों के तेल या फिर तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही आपको शिवष्टांग का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी और महादेव आपसे प्रसन्न होकर आपको मनोइच्छा का वरदान देंगे। मीन राशि। मीन राशि वालों को सावन में महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में केसर मिलाकर जलाभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे, जलाभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और इसके बाद महादेव को दूध, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करना है। फिर मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। ऐसा करने से आपके घर व दफ्तर में आ रही सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और महादेव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।